हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जामपुर आप सभी का स्वागत है हरियाणा एग्जामपुर एग्जामपुर में हम कलम से से क्रांति सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद कैसे आप लोग फटाफट पड़ आ जाइए क्लास पे जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे करते हैं शुरुआत क्लास की और क्लास को कर देंगे शेयर फटाफट फड़ से तो बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज है आज के लिए हरियाणा की न्यूज थोड़ी कम भी हो जाती है है ना कुछ कभी कभार ज्यादा न्यूज आ जाती है कभी कभार कम आ जाती है फिर ऐसा बोले की हम जल्दी उन्हें कम्प्लीट कर लेते हैं तो फिर वो जो न्यूज है आपकी जल्दी कवर हो जाती है तो अगले दिन जो न्यूज जैसे मान लो आज कल सुबह की जो न्यूज थी मैंने कल ही मतलब कल कल दिन कल सुबह तक तक की की या कल रात न्यूज मैंने करा दी थी सुबह में है ना तो बहुत सारी न्यूज होती जो आपकी पहली कवर हो जाती है ठीक है तो आज भी कुछ न्यूज होंगी आपकी बढ़िया बढ़िया न्यूज है एक बार क्लास को आके क्लास में शेयर कर दीजिए ठीक है भाई शेयर कर देंगे सारे बच्चे क्लास को और ये पूरा का पूरा टाइम टेबल आप लोगों का सुबह सात बजे से आपकी क्लासेस शुरू होती है और सात से लेकर के रात के साढ़े दस ग्यारह बजे तक आपकी क्लास ही चलती है तो सात बजे आपकी करंट अफेयर आठ बजे जीके की क्लास होती है फिर आपकी स्टैटिक जी की क्लास होती बाय सोनम मैम उसके बाद में इंग्लिश मैथ्स हिंदी कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी हिस्ट्री रीजनिंग हरियाणा जी के होती रात में आठ बजे तो हरियाणा जी के आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हरियाणा के जो आपके फील्ड से रिलेटेड चीजें आती है वो हम पढ़ते हैं उस क्लास में है ना जिस क्लास में तुम्हारा मन नहीं लगता आजकल क्योंकि उसमें पढ़ाया जाता है तुम्हें ऐसी क्लासेस पसंद नहीं है तो ये तुम्हारी गलत बात है ऐसे नहीं होना चाहिए तुम्हें उस क्लास में भी अच्छे से आना चाहिए ठीक है तो आया करो क्लास में रात को आठ बजे और साढ़े नौ बजे आपकी जो है पोलिटेक की क्लास होती है आशुतोष सर की बढ़िया क्लास तो अगर हरियाणा में कहीं से भी अगर पेपर आ जाता है आपका कोई भी पोर्शन ज्यादा आए कोई भी पोर्शन कम आए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासेज यहाँ पर बराबर चलती है सुबह से लेकर रात तक सारे की सारी चीजें जो है आपको करा दी जाती है ठीक है हाँ बिल्कुल एक महीने के पहले का भी करवा देंगे अभी पहले देख लीजिएगा हरियाणा से जो मेन आपकी न्यूज है देखो मारुति के तीन प्लांट हो जाएंगे हरियाणा में मानेसर हो गया आपका गुरुग्राम हो गया और आपका सोनीपत खरखोदा में लग जाएगा और क्या न्यूज थी भी आपकी कल कल ही मैंने करा दिया था ना आपको और ये है कि आपका एक जागृति यात्रा शुरू की गई है तो इस जागृति यात्रा का उद्घाटन किसने किया इसको शुरू किसने किया है ये आपसे पूछेगा तो हरियाणा के डीजीपी ने किया किसने किया है आपके हरियाणा के डीजीपी ने इसका जो है इनोग्रेशन किया है तो मेरा क्वेश्चन आपसे बताइएगा हरियाणा के डीजीपी कौन है वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी जो है आपके कौन है उत्तर दीजिएगा कौन है आपके ठीक है और एक क्वेश्चन आया था अभी आपका कमांडो विंग में भी पुलिस कांस्टेबल में भी एसआई में भी हर पेपर में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस होती है पुलिस का सबसे पुलिस रैंक में सबसे पद ऊंचा पद कौन सा होता है हेलो 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 हेलो, आ आ रही आ रही आवाज़? आवाज़ है तो बता दीजिए एक बार रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई मेरे आई आवाज आई 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 हे भगवान मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब ये होता है रोज कुछ ना कुछ हो जाता है हेलो हेलो एक ही वेक्टर में कमेंट कर रखना ठीक है अब आ गई सारा दोबारा करवा दूं कुछ कराया नहीं है अभी तो अरे भाई अभी तो कुछ कराया नहीं था दोबारा से करा देते हैं है ना दोबारा से कर लेते हैं देख लीजिए हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल जी प्रशांत कुमार अग्रवाल जी ने जो है आपकी एक अगर हम बात करें यहां पर एक जागृति यात्रा का उद्घाटन किया है। जागृति यात्रा क्या है आपकी महिला सुरक्षा के लिए एक यात्रा शुरू की जा रही है बेसिकली साइकिल रैली एक साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया है जिसे आप कहते हैं जागृति यात्रा का नाम दिया गया है याद रखेंगे और इसमें क्या है आपकी सोलह पुलिसकर्मी होंगी महिलाओं की है ना सोलह पुलिस महिला पुलिसकर्मी क्या करेंगे आपकी यात्रा करने वाली है ग्यारह सौ चौरानवे किलोमीटर की बाय साइकिल तो इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल रैली ठीक है इसका नेतृत्व कौन करेंगे ममता सोडा जी और इस यात्रा का उद्घाटन किसने किया है अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेगा यात्रा का उद्घाटन आपके हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल जी ने किया है किन्होने किया है बच्चा प्रशांत कुमार अग्रवाल जी ने किया है याद रखेगा याद रखेगा ठीक है कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए ठीक है याद रखोगे ना किसने किया है आपके प्रशांत कुमार अग्रवाल जी ने किया है और क्या है ये आपके हरियाणा के डीजीपी डीजीपी जो है आपकी सर्वोच्च रैंक होती है हरियाणा पुलिस में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था तो आपको पता होना चाहिए ठीक है ठीक है क्लियर है तो अब तो आवाज आ गई आ गई आवाज है। पीके अग्रवाल जी प्रशांत कुमार अग्रवाल जी प्रेजेंट डीजीपी ऑफ हरियाणा ठीक है क्लियर बिल्कुल इसके अलावा याद रखिएगा जो आपका महाराष्ट्र है अच्छा इसमें तेईस जिले कवर किए जाएंगे तेईस पुलिस जिले जो है आपके कवर किए जाएंगे पच्चीस दिनों के अंदर महाराष्ट्र में आपकी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी राष्ट्रीय दिग्गज खेल एवं खेल चैंपियनशिप यानी आप कह सकते खेल महाकुंभ आपका आयोजित हुआ तो उसमें जो आपके हरियाणा के खिलाड़ी है कौन मुंशी राम जी तो मुंशी राम जी ने कितने पदक जीते तो लिख लीजिएगा गांव है आपका सोहड़ी सोहड़ी गांव के है आपके मुंशी राम जी तो महाश्रा में जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई आपकी क्या हुई आपकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेल कुंभ में खेल कुंभ इसमें आपके मुंशी राम जी ने कितने पदक जीते यह आपसे पूछेगा तो मुंशी राम जी ने यहां पर कितने पदक जीते है भाई याद रखिएगा आप लोग तीन आपके गोल्ड एक सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ठीक है एक सिल्वर और दो जो है आपके ब्रॉन्ज तो तीन और एक चार दो टोटल जो है आपके छह मेडल इन्होंने यहाँ से प्राप्त किए हैं याद रखिएगा ठीक है इनकी आयु जो है चौहत्तर वर्ष की है अब तक इन्होंने 112 मेडल जीत लिए हैं 112 मेडल ये अपनी टोटल अगर हम बात करें आयु में उम्र में जीत चुके हैं याद रखिएगा ठीक है याद रखेंगे क्लियर तो ये था आपका हरियाणा के ज्यादा करंट अफेयर नहीं है आज के लिए इतना ही है अब हम चलते हैं आपके नेशनल करंट अफेयर में जो आपका बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है उसकी शुरुआत करते हैं बहुत लेट हो गया ठीक है चलो उसकी शुरुआत करते हैं ना बीच में चली गई आपकी आवाज अच्छा ये आपका न्यूज में था अमरूद उत्कृष्टता केंद्र दर कहाँ पर है आपका बूना फतेहाबाद में ठीक है तो यहाँ पर एक जो है वेबिनार चलाया जाएगा एक सेमिनार चलाया जाएगा किसके लिए अनार की पैदावार के लिए कि अनार की खेती जो है कैसे की जाएगी उसको लेकर के यहाँ पर एक वो चलाया जाएगा याद रखेगा ठीक है याद रखेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट है रोमेंसिंग लाइफ है ना एक बुक है आपकी रोमेंसिंग लाइफ ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो रोमेंसिंग लाइफ पुस्तक है कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पूनम जी की बुक कराई थी अगर आपको याद होगा रोमेंसिंग लाइफ जो है आपकी एक आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसका जो विमोचन किया वो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जी ने किया है किसने किया हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष तो मेरा क्वेश्चन है आपसे हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके ज्ञान चंद गुप्ता जी कौन है आपके ज्ञान चंद गुप्ता जी हैं लिख लीजिएगा ठीक है भाई बिल्कुल 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 और भी काफी सारे लोग थे उनके द्वारा ठीक है भाई तो यहाँ पर ये बुक का जो है विमोचन किया गया है याद रखेंगे आप लोग किसने किया आपके ज्ञान गुप्ता जी ने किया है ठीक है भाई बाकी कुछ खास नहीं है अब चलते हैं अपने न्यूज पे मेन जो न्यूज है आपकी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री का नाम बताइएगा जिन्होंने हाल ही में नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है आपका तो आपसे पूछा गया है कि जो आपका टेली लॉ मोबाइल ऐप है वो किस व्यक्ति ने लॉन्च किया था तो आप कहेंगे आपके केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया तो उनका नाम आपसे पूछा गया है राजनाथ सिंह जी ने हरदीप सिंह पुरी ने निर्मला सीतारमन जी ने या फिर आपके किरण रिजिजू जी ने तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका किरण रिजिजू ने आपका टेली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया सेशन को शेयर कर दिया करो ठीक है किरण रिजिजू ने क्या किया अभी आपका टेली मोबाइल एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है तो ये जो आपका चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव उसी के दौरान जो है आपका लॉन्च किया गया है ठीक है तो आपका जो न्याय विभाग है वो 8 से 14 नवंबर तक क्या मना रहा था आपका आजादी का अमृत महोत्सव उसी के दौरान जो है इसे लॉन्च किया गया आप अपना जो है जो भी एडवाइस होती है कोई आपको कंसल्ट करना है कुछ आप जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं बेसिकली ये जो है आपकी लोगों का एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारे आसपास क्या होने चाहिए कॉमन सर्विस सेंटर होने चाहिए जो हमें सहायता प्रदान करे लो के बारे में ठीक है तो ये उसी के लिए जो है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कानूनी सलाह सहायक केंद्र आप इसे कह सकते हैं इसे जो है आ, के रूप में इसे उपयोग किया जाएगा ठीक है तो याद रखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा किसने लॉन्च किया आपके किरण रिजिजू ने आपका लॉन्च किया है ठीक है भाई टेली लो मोबाइल एप्लीकेशन क्लियर याद रखेंगे अच्छे से याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा रिसेंटली विच एडिशन ऑफ सिटमैक्स एक्सरसाइज कॉन्क्लूडेड इन द अंडमान सी आपसे ये पूछा है कि एक exercise है आपकी सिटमैक्स एक्सरसाइज ये हाल ही में जो है आपकी अंडमान सागर में है ना अंडमान सी में जो है आपकी संपन्न हुई है तो आपसे ये पूछा गया है कि बताइएगा ये कौन से नंबर की तो कब से कब हुई आपकी पंद्रह और सोलह नवंबर को जो है एक्सरसाइज हुई है आपकी पंद्रह और सोलह नवंबर को हुई है याद रखिएगा और ये किस किस के बीच में होती है आपकी तो ट्राइलेटरल होती है तीन देशों की एक्सरसाइज होती है नोट कर लीजिएगा और तीन कौन कौन से होते हैं आपके तो इंडिया आ गया आपका सिंगापुर और आपका थाईलैंड की नेवी के द्वारा होती है तो इंडिया थाई और सिंगापुर ठीक है इन तीन देशों की एक्सरसाइज है और ये जो है आपकी 2019 में शुरुआत हुई थी पहली बार 2019 में इसका पहला संस्करण हुआ था 2020 में इसका दूसरा संस्करण हुआ और अभी जो है आपका 2021 चल रहा है अभी इसका थर्ड एडिशन संपन्न हुआ कौन सा भी आपका थर्ड एडिशन तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड एडिशन जो होगा आपका बिल्कुल राइट right आंसर आ जाएगा लिख लीजिएगा ठीक है भाई बिल्कुल राइट right, बिल्कुल राइट right, बिल्कुल राइट right. सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर में हुई थी बिल्कुल सही बात है आपकी पोर्ट ब्लेयर में ठीक है भाई याद रखेंगे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर आपसे दो तीन चीजें पूछ सकता है कि इंडियन सिप कौन सी थी जिसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया तो आई एन एस करमुख ने जो है इसमें भाग लिया है 2021 में किसने आई एन एस करमुख तो आई एन एस का नाम आप याद रखेगा आई एन एस करमुख पार्टिसिपेट इन सिटमेक्स एक्सरसाइज कल हमने शक्ति एक्सरसाइज करी थी करी थी कि नहीं करी थी तो डेली कोई ना कोई कराई जाती है आप इनको अच्छे से याद रखिएगा ठीक है इसमें जो है पा, पार्टिसिपेट किया है याद रखेंगे आप लोग इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको याद रखना है कि भारत की थाईलैंड के साथ में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है आई एन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है तो इंडिया और थाईलैंड की हमने कल भी लिखी थी तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से भारत की और थाईलैंड की थाईलैंड की राजधानी क्या होती है आपकी बैंकॉक करेंसी क्या होती है आपकी बहत तो लिख लीजिएगा बैंकॉक आपकी राजधानी आ जाएगी और करेंसी क्या आती है आपकी बहत आ जाएगी क्या आ जाएगी बच्चा बहत आ जाएगी और भारत और थाईलैंड के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो आप लिख लीजिएगा कौन कौन सी होती है कल कल भी लिखवाई थी आर्मी की एक्सरसाइज होती है मैत्री कौन सी होती है आपकी मैत्री होती है तो लिखेंगे आप लोग मैत्री और इंडो कारपेट आपकी हाल ही में हुई तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग इंडो थाई कॉर्पेट एक्सरसाइज ठीक है नेवी की एक्सरसाइज होती है तो इंडो थाई कॉर्पेट होती है आपकी और एक जो है आपको अभी करा दी ठीक है है जिसमें तीन देश होते हैं एक होता है आपका थाईलैंड भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है आपकी बोल्ड क्रुक्षेत्र आपने सुनी सुनी होगी आर्मी की एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र ठीक है भाई तो ये आपकी सिंगापुर के साथ आ जाएगी लिख लीजिएगा बोल्ड क्रुक्षेत्रा ठीक है तो लिखेंगे आप लोग बोल्ड क्रुक्षेत्रा बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज आवाज वगैरह सब चल रही है बढ़िया बता देना ठीक है भाई होती है आपकी और कौन सी होती 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 है फोर्स की होती है है मिलिट्री एक्सरसाइज की तो ये आपकी सिंगापुर के साथ चलती है लिख लीजिएगा ठीक है भाई लिख लेंगे आप लोग 2020 हजार की भी अंडमान में ही हुई थी बिल्कुल 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 क्लियर है बिल्कुल तो इसको आप लिख लेंगे अच्छे से कौन सा एडिशन था आपका थर्ड एडिशन था अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक बड़े चमकीले और रंग के केसर ए कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है है ना तो आपकी क्या भाई स्टेट जो है आपकी बटरफ्लाई जैसे आपके राज्यों के क्या होते हैं चिन्ह होते हैं है ना सिंबल्स होते हैं आपके जैसे हरियाणा का आप बात करते हैं कि राज्य के पक्षी क्या है पशु क्या है फल क्या है पेड़ क्या है वैसे ही सभी राज्यों के होते हैं तो किस राज्य ने अपने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है किसे भाई आपके केसरे हिंद बटरफ्लाई को ठीक है तितली तितली की बात की जा रही है क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार एक बार शेयर करके आइए क्लास को फटाफट है ना ऐसे काम नहीं चलेगा एक बार शेयर करके आइएगा तो कौन से राज्य ने जो है अपनी मंजूरी दी है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश ठीक है भाई कौन सा राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है जिसने जो है अपने तितली को कौन से केसर ए हिंद तितली को अपना जो है स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी ईटानगर है क्या है आपकी ईटानगर ये आपके पेपर में आ जाता है राजधानी वगैरह पूछ लेता है अरुणाचल प्रदेश आपका स्टेट कब बना था उन्नीस में बना था तो लिख लीजिएगा 20 फरवरी उन्नीस कब बना था आपका 20 फरवरी उन्नीस में राज्य बना फिर आपसे सीएम के बारे में पूछ लेगा आपसे गवर्नर के बारे में पूछेगा तो सीएम कौन है आपके पेमा खांडू और बी डी मिश्रा क्या है आपके राज्यपाल तो लिख लीजिएगा आप लोग पेमा खांडू और बीडी मिश्रा ठीक है भाई पेमा खांडू क्या पेमा क्या खाता है तो पेमा जो है बी डी खाता है तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी मिश्रा आपके राज्यपाल ठीक है भाई बी डी मिश्रा क्या है आपके राज्यपाल है याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल और यहाँ पर आपका हाईकोर्ट कौन सा लगता है गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है अरुणाचल प्रदेश में तो ये भी आप लोग याद रखिएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है आपका ठीक है भाई गुवाहाटी हाईकोर्ट तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने तितली जो है घोषित किया है तो देखो जो आपकी स्टेट बटरफ्लाई है वो अलग अलग राज्यों के द्वारा जो है आपकी घोषित की गई है तो कुल कितने राज्यों ने अपना स्टेट सिंबल बटरफ्लाई को घोषित किया है ये आप देख लीजिएगा ठीक है सबसे पहले ये आपकी केसर हिंद जो आपकी बटरफ्लाई है केसर हिंद का मतलब क्या होता है ऑफ इंडिया भारत के सम्राट कहा जाता है केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी भारत में ये बताइएगा आप मुझे और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका टीनो पालप ठीक है ये जो है इसका क्या है भाई साइंटिफिक नेम है क्या है बेटा आपका साइंटिफिक नेम होता है याद रखिएगा आप लोग ठीक है अच्छा ये किस फैमिली से और किस ऑर्डर से बिलोंग करता है ठीक है तो ऑर्थोपोड होता है आपका क्या होता है ये आपका ऑर्थोपोर्ड होता है आप सभी जानते हैं आर्थोपोड के फैमिली से बिलोंग करता है और लैपिडो जो है इसका क्या आ जाएगा ऑर्डर आ जाएगा है ना लेपिडो और इसमें आपका वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बता ही दिया है तो इसको भी आप क्या करेंगे लिख लेंगे अच्छे से और आपसे क्या पूछेगा भाई ये? कि ये जो है आई के द्वारा इसका स्टेटस क्या है तो ये आपका नियर थ्रेटेड कैटेगरी में आती है ठीक है अपेंडिक्स टू में आती है आपकी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस के शेड्यूल टू में जो है इसका उल्लेख मिलेगा आपको बटरफ्लाई का ठीक है तो मेन इसमें आपका क्या है इसका आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए अगर हम वैसे बात करें हरियाणा की दृष्टि से तो दो तीन चीजें आपसे पूछी जाती है कि जो आपका बटरफ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है वो जो है आपकी किस फैमिली से संबंध रखती है आते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बताओ तो बिल्कुल आते हैं तो जो लिखवा रहे हैं उसको लिख लीजिए केसर ए हिंद जो साइंटिफिक नेम बताया वो लिख लीजिएगा ऑर्डर कौन सा है लेपिड लैपिडो बताया तो ऑर्डर भी लिख सकते हैं आप लोग ऑर्डर टेरा, टेरा। और जो है आपकी फैमिली कौन सी होती है बच्चों फैमिली होती है आपकी ऑर्थोपोड्स कौन सी होती है ऑर्थोपोड्स होती है ठीक है याद रखिएगा फोर पेयर ऑफ लेग्स होते हैं ऑर्थोपोड्स में ये उनकी पहचान होती है कॉकरोच हो गया जैसे वो भी शायद आपका ऑर्थोपोर्ड्स में आता है मोर्स जो होते हैं बेसिकली आपके Uh, आपके जो है किस में आते हैं ऑर्थोपोर्ट्स में आते हैं और ये जो ऑर्थोपोर्ट होते हैं इनकी एक स्टेज होती है कैटरपिलर है ना कैटरपिलर स्टेज ये सबसे हानिकारक होती है आपकी फसलों के लिए ठीक है भाई कैटरपिलर स्टेज जो होती है ये क्वेश्चन हरियाणा एस ने पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि मौत की एक मौत जो होता है उसकी कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है हार्मफुल होती, होती है हार्मफुल होती है ठीक है हार्मफुल होती है ये आपसे पूछा था तो जो आपके कैटरपिलर स्टेज होती है वो सबसे भयंकर होती है याद रखेगा ठीक है आगे चलते हैं आगे देखिएगा क्या है आपका आ, हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग ठीक है भैया गोल्डन बर्ड विंग जिसका नाम था ट्रोइडस एकस इसे जो है आपका इस तितली को हिमालय तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया तो भारत की सबसे बड़ी तितली अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी है आपकी गोल्डन बर्ड विंग है कौन सी है आपकी गोल्डन बर्ड विल ठीक है लिख लीजिएगा इसको और किन किन राज्यों का जो स्टेट सिंबल है वो तितली है तो वो ये आपके राज्य है देख लीजिएगा कर्नाटक जो है अपना स्टेट बर्ड तितली को घोषित कर चुका है तितली का नाम है विंग ठीक है वो कौन सी थी गोल्डन बर्ड विंग सबसे बड़ी तितली ये है साउदर्न बर्ड विंग याद रखेगा महाराष्ट्र ने ब्लू मोरवन को बनाया है आपका तमिलनाडु ने यमन तितली को केरल ने बुद्धा बुद्ध मयूरी तितली को और आपके उत्तराखंड की है आपकी ये आपकी कॉमन पिको कहा जाता है इसे क्या नाम है इसका कॉमन पिको क्योंकि आप देख सकते हैं इसके जो पंख टाइप चीज है ये कैसे है इसका स्ट्रक्चर ये आपको मोर के पंख जैसा दिखाई देता है तो इसका नाम है कॉमन पिकोक शेयर कर दीजिए क्लास को तो ये है आपके तमिलनाडु केरल कर्नाटक उत्तराखंड महाराष्ट्र और अब आपका कौन सा अरुणाचल प्रदेश तो टोटल जो है आपके छह राज्य या फिर आप कहेंगे इनमें जो है आपकी क्या है स्टेट बर्ड भाई आपकी सॉरी स्टेट बटरफ्लाई है क्या है आपकी स्टेट बटरफ्लाई है याद रखिएगा क्या है आपकी स्टेट बटरफ्लाई ठीक है याद रखिएगा याद रखेंगे आप लोग अरुणाचल प्रदेश के स्टेट सिंबल देख लो अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से राज्य चिन्ह है ये देख लीजिएगा पशु की बात करेंगे मिथुर बोस फ्रंटलिस्ट कहा जाता है तो बोस इंडिकस आ जाए बोस फ्रेंड आपका जो है आ, बोस से रिलेटेड चीजें आ जाए तो क्या आती है आपकी अच्छा ये बताओ तुम्हें कुछ याद है भी नहीं है काउ का साइंटिफिक नेम क्या होता है बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या होता है ठीक है तो बोस किसके नाम में आता है बताइएगा आप लोग ठीक है बर्ड है आपकी हॉर्नबिल क्या है भाई आपकी हॉर्नबिल पेड़ है आपका होलोंग का पेड़ है आप देख सकते हैं साइंटिफिक नेम भी साथ में लिखा है फूल जो है आपका ऑर्किड का फूल आता है ये रहा आपका ऑर्किड का फूल आप देख सकते हैं ये आपके स्टेट सिंबल है अरुणाचल प्रदेश के कहाँ के भाई अरुणाचल प्रदेश के याद रखिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन है तो याद रखेंगे स्टेट बटरफ्लाई किसने भी आपकी अरुणाचल प्रदेश ने यहां पर देखिएगा आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसने सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है आपसे पूछा है कि किस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है तो बेसिकली ये आपके किसके लिए आप सभी जानते हैं टॉयलेट डे मनाया जाता है भारत में क्या मनाया जाता है भाई हम लोग टॉयलेट डे मनाते हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे बताइएगा टॉयलेट डे कब मनाया जाता है ठीक है तो 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे आपका मनाया जाता है बिल्कुल कब मनाया जाता है भाई उन्नीस नवम्बर को तो ये उसी के मद्देनजर रखते हुए अभियान जो है आपका शुरू किया गया है ठीक है जिसका नाम रखा गया है आपका आ, सफाई मित्र सेफ्टी चैलेंज कैंपेन ठीक है तो ये आपका आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है ठीक है जो भी आपके सिवरेज वगैरह है उनकी सफाई वगैरह की जाएगी सारी की सारी चीजें इसमें लिखी गई है ठीक है याद रखिएगा आप लोग बिल्कुल 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 तो अगर आपसे पूछ ले जो आपका उन्नीस नवंबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने हेतु मनाया जाता है तो यहां पर आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर सिक्स को अचीव करने के लिए हाइजीन है ना आप सभी जानते हैं तो याद रखिएगा बिल्कुल सैनिटेशन फॉर ऑल जिसमें लिखा वोटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपका सिक्स इसके तहत है आपका याद रखिएगा ठीक है भाई बिल्कुल 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 19 नवंबर को सबसे पहले साल 2001 में आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया था कब मनाया गया था 2001 में उसके बाद हम हर साल मनाते हैं अब भी मनाएंगे उन्नीस तारीख को ठीक है भाई बिल्कुल मनाएंगे बिल्कुल 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 सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज 2020 की थीम थी आपकी ठीक है भाई तो लिख लेना क्या थी आपकी 2020 की सस्टेनेबल लिख लीजिएगा इसको सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज है ना शेयर नहीं करते तुम लोग क्लास को बहुत नालायक हो गए बहुत ज्यादा ठीक है जिस दिन पेपर होगा ना उस दिन बात करेंगे सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज जिसे आप कहते हैं जलवायु परिवर्तन ठीक है ये जो है आपका टारगेट रखा गया है याद रखेगा आप लोग इनमें से किस राज्य में न्यूमोकोल कंजुगेट वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया गया है ठीक है तो न्यूमोकोल कोजोगेट वैक्सीन कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है यह आपसे पूछा गया है तो बताइएगा किस राज्य में जो है आपका यह कार्यक्रम शुरू किया गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे कौन सा राज्य है आपका कल झारखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया तो कल कितनी तारीख थी आपकी कल जो है आपकी पंद्रह तारीख थी तो कल जो है आपका झारखंड का स्थापना दिवस था याद रखिएगा ठीक है तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किस राज्य की यूपी तो यूपी तो बहुत ज्यादा आपका चर्चा में है अभी हाल ही में है ना चलिएगा तो यहां पर आपका आंसर आएगा कर्नाटक क्या आंसर आएगा कर्नाटक ठीक है कर्नाटक को लिख लीजिएगा आप लोग कर्नाटक जो है आपका इंपोर्टेंट आंसर है नोट करेंगे आप लोग अब इसमें क्या क्या चीजें हैं न्यूमोकोल कॉन्जोगेट वैक्सीन के लिए जो कार्यक्रम है वो 12 नवंबर को कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था कहां पर कर्नाटक में कर्नाटक की राजधानी क्या है आपकी बेंगलोर साइंस सिटी स्पेस सिटी सिलिकेन वैली ऑफ इंडिया और आप कैसे सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया और आप क्या कहते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया क्या है आपका बिल्कुल 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 तो ये जो है आपका वर्ल्ड निमोनिया डे अगर आपसे पूछ ले अब कि वर्ल्ड निमोनिया डे जो है आपका कब मनाया जाता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कब मनाया जाता है तो बेसिकली इसकी जो शुरुआत हो गई थी वो हुबली से हुई थी और 22 अक्टूबर से शुरुआत हो गई थी किसने करी थी आपके जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोमई उन्होंने शुरुआत करी थी इसकी याद रखेगा बसवराज बोमई जी ने ठीक है वर्ल्ड निमोनिया डे तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो आपका विश्व निमोनिया दिवस है वो कब मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है उत्तर दीजिएगा विश्व निमोनिया दिवस आपका कब मनाया जाता है आंसर कीजिए बिल्कुल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है आपका है ना उसी के तहत जो है इसे शुरू किया गया है याद रखिएगा बिल्कुल भाई आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है और 2009 में बिल्कुल ग्लोबल अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया इसके इसके द्वारा जो है शुरू किया गया था तो कब जो है आपका मनाया जाता है 12 नवंबर को कब भाई आपके 12 नवंबर तो इसे जो लॉन्च किया गया था 12 नवंबर को लॉन्च किया गया था याद रखिएगा आप लोग कब आपके 12 नवंबर को ठीक है बिल्कुल एक प्रोग्राम था आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इस प्रोग्राम के तहत इसे शुरू किया गया है याद रखेगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था आपका ठीक है जिसे आप कहते सार्वभौमिक टीकाकरण है सार टीका इस प्रकार से अभियान यूनिवर्सल युनिव, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ठीक है जिसे आप कहते हैं यू आई यूआईपी के तहत इसे जो है आपका शुरू किया गया है याद रखेगा आप लोग सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान ठीक है इसके तहत जो है इसे शुरू किया गया है याद रखेगा और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपके उन्नीस में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था कब किया था बच्चों उन्नीस में भारत सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी याद रखेगा ठीक है तो इसी के तहत जो है आपका चलाया गया है याद रखेंगे मिशन इंद्रधनुष जो है आपका वो भी आपका इम्यूनाइजेशन से संबंधित है उसमें आपके कितने डीसी शामिल है बारह बीमारियां आती है याद रखिएगा ठीक है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर राज्य आपके मुख्यमंत्री है बसवराज बोमई राज्यपाल का नाम बताइएगा कर्नाटक के राज्यपाल कौन है जल्दी से बताएंगे कर्नाटक में कौन सी आपकी लेजिस्लेचर आती है यूनिक कैमरल है या फिर आपकी बाई कैमरल है ये भी बताएंगे आप लोग कि कर्नाटक में कौन सी लेजिस्लेचर आती है एक नवंबर 1956 को कर्नाटक आपका राज्य बना था कब बना था आपका एक नवंबर 1956 में बना था तो अपना बर्थडे शेयर करता है किसके साथ में हरियाणा के साथ में एक नवंबर को हरियाणा दिवस भी मनाते हैं आप लोग तो कर्नाटक राज्य है याद रखिएगा रखेगा थावर चंद गहलोत आपके राज्यपाल हैं भाषवराज बोमई आपके मुख्यमंत्री हैं क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं याद रखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर है आपके कर्नाटक में द्विसदनात्मक है आपका याद रखिएगा काउंसिल की पिचहत्तर सीटें आती है असेंबली की 224 सीटें आती है ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी ने स्कूलों में स्कूलों में सभी छात्रों के लिए पंजाबी भाषा तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है आपका पंजाबी भाषा पंजाब के मुख्यमंत्री छेनी ठीक है चरणजीत सिंह चन्नी जी इन्होंने पंजाब में पंजाबी भाषा अनिवार्य कर दी है याद रखिएगा ठीक है भाई क्या कर दी है आपकी पंजाबी लैंग्वेज सभी स्कूलों में कंपलसरी कर दी गई है अगर नहीं पढ़ाई जाएगी तो उन पर फाइन भी लगेगा है ना जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया गया है तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया है पंजाबी भाषा कंपलसरी आपको पढ़ानी ही पढ़ानी है अगर आपने नहीं लागू की अपने स्कूल में तो फाइन लगेगा उस पर फाइन भरा जाएगा ठीक है तो ये आपके काफी चर्चा में थे याद रखेगा आप लोग ठीक है पहले से लेकर के दसवी कक्षा तक की सभी कक्षाओं में जो है आपकी पंजाबी भाषा हो जाएगी शुरू कितना जुर्माना लगेगा दो लाख का जुर्माना लगेगा है ना अगर नहीं पढ़ाई अच्छा ये बताओ इसमें आपकी हरियाणा जीके का क्वेश्चन बनता है अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो ये बताइएगा मुझे कि जो आपकी पंजाबी भाषा को हरियाणा की भाषा के रूप में किसने जो है आपकी मंजूरी बताएंगे आप लोग बताइएगा पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा किसके कार्यकाल में और तमिल भाषा को जो है किसने दिया था बताएंगे दर्जा दूसरी भाषा का आंसर दीजिएगा पंजाबी भाषा का दर्जा किसने दिया था और तमिल भाषा का दर्जा किसने दिया था हरियाणा के किस मुख्यमंत्री 2010 में हुड्डा वेरी नाइस है ना तो 2010 में हुड्डा जी ने पंजाबी को दूसरी भाषा बनाया था और तमिल बनाया था बंसी लाल जी की सरकार थी बंसी लाल जी ने ठीक है भाई दूसरी भाषा तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं यहाँ से आपको याद रखना है ठीक है भाई याद रखिएगा आप लोग अच्छे से नेक्स्ट है आपका सीबीआई अब सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है ये बता दीजिएगा ठीक है सीबीआई और ईडी जो आजकल बहुत ज्यादा छापे वगैरह मारती है आपकी सीबीआई सीबीआई और ईडी ने जो है आपका देखो इनमें जो आपके अधिकारी होते थे इनका कार्यकाल कितना होता था दो साल का कितना होता था भाई आपका दो साल का लेकिन अभी आपका जो है राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है अब अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी होती है कौन जो है आपका अध्यादेश जारी कर सकता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से तो आर्टिकल आपसे पूछे जाते पेपर में है ना आर्टिकल आते ना आपके पेपर में क्या कि आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है बिल्कुल कर सकता है क्या के राज्यपाल कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं तो इन्होंने क्या किया है अध्यादेश में ये लिखा है कि दो साल से जो इनका कार्यकाल है वो कितना हो जाएगा अब पांच साल का हो सकता है मैक्सिमम कितना हो सकता है पांच साल तो याद रखिएगा आप लोग दो अध्यादेश जारी किए गए हैं इसके लिए सीबीआई में कौन है आपके वर्तमान में ये आपको पता होना चाहिए और ईडी में आपके कौन है ये आपको पता होना चाहिए आप बताइएगा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अगर आपका पार्लियामेंट अगर आपका संसद जो है उसका कोई सा भी सदन कार्यरत नहीं है कार्य नहीं कर रहा है तो आपके जो प्रेजिडेंट है वो क्या ला सकते अध्यादेश ला सकते हैं ठीक है अधिकतम आपके छह महीने के लिए लागू रहता है अगर आप लाइव पूछोगे है ना छह महीने के लिए होता है आप उसे बढ़ा सकते हो है ना बार बार अध्यादेश को ला करके आप उसे मैक्सिमम दो साल तक खींच सकते हो उससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते ठीक है तो मतलब कितना कितने टाइम्स आपका अध्यादेश आ सकता है तो मैक्सिमम जो उसका लाइफ स्पेन होता है वो आपका सिक्स मंथ का होता है और मैक्सिमम टाइम आप एक्सपेंड कर सकते हो आपके दो साल तक ठीक है फॉर अ स्पैन ऑफ टू इयर्स आप उसे कर सकते हो मेकिंग पावर किस-किस के पास में होती है एक क्वेश्चन तो ये आता है आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास में भी होती है और आपके जो है राज्यपाल के पास में भी होती है किसके पास में होती है राज्यपाल अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो आर्टिकल नंबर एक और राज्यपाल पूछ ले तो आई थिंक आर्टिकल नंबर दो होता है कौन सा होता है आपका आर्टिकल नंबर दो होता है याद रखेगा बिल्कुल अगर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है लेजिस्लेटिव काउंसिल है मान लो दो सदन है किसी राज्य में द्विसनात्मक है आपकी विधानसभा और दोनों आपकी कार्यरत नहीं है तो आपके राज्यपाल भी जो है आपका अध्यादेश जारी कर सकते हैं याद रखेगा ठीक है तो दो साल से बढ़ाकर के पांच साल कर दिया गया है याद रखेगा अल मखतुम हवाई अड्डे पर कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पांच दिवसीय दुबई एयर शो शुरू हो गया है तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से हवाई अड्डे पर हो रहा है आपका तो आपको पता होना चाहिए भी आपके दुबई दुबई का आपका हवाई अड्डा है यहां पर हो रहा है जिसका नाम है अल मक्तुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो याद रखेंगे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है आपके दुबई के अल मखतुम में आपका दुबई एयर शो हो रहा है जिसमें आपका भारत भी हिस्सा लेगा और भी इसमें बहुत सारी चीजें वो हम कल देखेंगे रानी कमलापति स्टेशन पीएम मोदी ने भारत का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया तो इसके बारे में मैंने कल भी पढ़ाया था शायद परसों भी पढ़ाया था कि जर्मनी के जर्मनी की तर्ज पर बनाया गया आपका भारत का रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन उसका नाम जो है आपका रानी कमलापति जी के नाम पर चेंज कर दिया गया ये हमने कल भी देखा था परसों देखा था ठीक है पढ़ाया था मैंने आपको अच्छे से तो इसको देख लीजिएगा और भी आपकी बहुत सारी चीजें कराई थी तो किसके नाम पर हो गया रानी कमलापति एमपी में मध्य प्रदेश में वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है वांगला उत्सव तो वांगला उत्सव बेसिकली आपका एक आ, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कैसा होता है आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जैसे हम लोग मनाते हैं बैसाखी ठीक है और जो है आपका मकर संक्रांति होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जो है आपका मनाया जाता है याद रखेगा तो ये जो है आपका वांगला फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है ये आपसे पूछा है उत्तर दीजिए कि वांगला फेस्टिवल किस राज्य का त्योहार है फटाफट से बताएंगे आप वांगला या फिर वंगाला जो भी आप बोलना चाहे तो ये आपका एक बेम्बू फेस्टिवल होता है बताइए कहां पर है ना इसे कहा जाता है हंड्रेड हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल ऑफ मेघालय कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है भाई हंड्रेड ड्रम फेस्टिवल ऑफ मेघालय जो है इसे कहा जाता है याद रखेगा तो ये बेसिकली क्या है आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है आपका लिख लीजिएगा आपके जो है मेघालय में मनाया जाता है कहां पर बच्चों आपके मेघालय में ठीक है तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग बिल्कुल 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 ठीक है तो यहां पर आंसर क्या जाएगा आपका मेघालय आ जाएगा क्या जाएगा आपका मेघालय आ जाएगा लिख लीजिएगा ठीक है भाई मेघालय राजधानी बता दीजिएगा और कौन कौन से हार्वेस्ट फर्स्ट फेस्टिवल होते हैं ये बता दीजिएगा टीवीएस मोटर यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय टू व्हीलर निर्माता बन गई है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट मुख्यालय किस स्थान पर है तो ये वाला टॉपिक तो हमने कल भी पढ़ाया था आपको यूएन से रिलेटेड चीजें है ना लेकिन गलत चीजें आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते बहुत गलत बात है मतलब सपोर्ट नाम पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए है ना नहीं होना चाहिए तो टीवीएस मोटर बन गया आपका क्या भाई आपका पहला फर्स्ट इंडियन टू व्हीलर जिसने यूएन के ग्लोबल ग्लोब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट में क्या किया भाई शामिल हो गया है तो आपसे पूछा है कि ये जो आपका यूएन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है ये जो है भाई बताइएगा आपका बताइए कहां पर है उत्तर दीजिएगा बिल्कुल तो ये भी आपके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए और मैंने आपको कल भी समझाया था कि यूएन की जो मोस्टली एजेंसीज हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा कहां पर मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा और ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है यहां पर क्या आ जाएगा ग्लोबल कॉम्पैक्ट पूछा है आपसे न्यूयॉर्क आंसर आ जाएगा न्यूयॉर्क जिनेवा वाले हेडक्वार्टर कल हमने पढ़े थे डब्ल्यू का जिनेवा में है आपका वीपो का जिनेवा में है आपका वर्ल्ड आपका ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आपका जिनेवा में आता है ये जो हेडक्वार्टर है आपके कहाँ पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है पेरिस में किसका आता है जिनके नाम में क्या आ जाए एजुकेशन आ जाए या फिर आपका इकोनॉमिक्स आ जाए उनके जो आपके हेडक्वार्टर होते हैं वो पेरिस में होते जैसे कि यूनेस्को यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके पेरिस में है इसमें एजुकेशन आता है रोम इटली में फूड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर होते हैं जिनमें फूड या एग्रीकल्चर आ जाए तो एफ हो गया आपका है ना फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया डब्ल्यू एफ पी कहां पर है आपका हेडक्वार्टर रोम इटली में है मोस्टली जितने भी आपकी एजेंसियां हैं कहां पर है आपकी रोम इटली में है याद रखिए कहां पर है आपकी रोम इटली में है याद रखेंगे रखे, आप लोग और यहाँ पर टीवीएस मोटर शामिल हो गया आपके इसमें तो ये आप याद रखिएगा क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर न्यूयॉर्क आ जाएगा क्या आ जाएगा न्यूयॉर्क हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला है तो नोरो वायरस कहाँ पर देखा गया है ये आपसे पूछा है कोरोना वायरस है ना अब है आपका नोरो वायरस की बारी तो नोरो वायरस जो है है ना भगवान ऐसा ना हो कि ऐसा वायरस आ जाए है ना जो तबाही मचा दे तो लेकिन एक नोरो वायरस देखा गया है आपके केरल राज्य में कहां पर केरल राज्य में देखा गया है तो ये एक जो है आप कह सकते हैं कि काफी खतरनाक दिखाई पड़ रहा है इसमें जो है कुछ आपके कॉलेज के स्टूडेंट जो है इन्फेक्टेड पाए गए हैं वायनाड जिले में केरल के तो केरल राज्य में सबसे पहले इस वायरस को देखा गया है तो नोरो वायरस है क्या आपसे ये पूछ सकता है बिल्कुल तो ये सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है सबसे पहली बात क्या करता है सभी एज ग्रुप को ठीक है बेसिक इसका जो सिम्टम्स है वो डायरिया कोजिंग रोटा वायरस जो होता है ना उसकी तरह का है ये आपका ठीक है जिससे डायरिया होता है तो इसके सिम्टम्स भी कुछ उसी प्रकार के हैं ठीक है भाई और बाकी जो है सिम्टम्स में क्या क्या आता है दो दिन तक जो है आपको वोमिटिंग रहती है डायरिया जैसी चीजें सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो यानी कि आपको नोरा वायरस हो सकता है नोरो वायरस ठीक है तो नोरो वायरस की कोजेस क्या क्या है तो वही आपका दूषित भोजन दूषित आपका खाना पानी बाहर का खाना पानी करना जो अच्छा नहीं होता हेल्दी नहीं होता हमें नहीं पता किसने कैसे बनाया होगा ठीक है इस प्रकार की चीजें जो है इसमें रोल प्ले करती है ठीक है याद रखिएगा और ये जो है आपका कितना कॉमन है तो जो डब्ल्यू एच ओ है उसने कहा कि एक आपका कॉमन पैथोजन है इससे जो है आपका जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज है वो हो जाती है तो नोरो वायरस आपका देखा गया है लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका केरल राज्य आंसर आ जाएगा अब केरल राज्य की राजधानी क्या है आपकी तिरुवनंतपुरम है तो केरल के राज्यपाल कौन है ये बता दीजिएगा केरल में आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी कौन है उत्तर दीजिएगा आप लोग आरिफ मोहम्मद खान कैपिटल तिरुवनंतपुरम है पिनरई विजयन आपके मुख्यमंत्री है याद रखेंगे केरल में कहां पर बच्चों आपके केरल में है ना बिल्कुल 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 आता है समझ में अच्छी बात है खुशकिस्मत यह कि तुम्हारी समझ में आता है है ना तो यहाँ पर एक हमने पढ़ा था पीछे एक क्वेश्चन था ना आपका वो रह गया था दूरा ये रहा सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरेट के बारे में हम पढ़ रहे थे तो इनके जो वर्तमान में ये जो आपके न्यूज में है वो क्यों है भाई आपके क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे वो आपका इनका टर्म जो है पूरा करने वाले थे तो उसको जो है बढ़ा दिया गया है क्या कर दिया गया भाई बढ़ा दिया गया है दो साल से कितना पाँच साल तो इसमें आप आर्टिकल याद रखेगा और सीबीआई के बारे में अगर हम चीजें देखेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है आपका सीबीआई क्या होता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है याद रखेगा हेडक्वाटर कहाँ पर है आपके नई दिल्ली में है उन्नीस में सीबीआई का गठन हुआ था नाइनटीन में ठीक है इसका गठन हुआ था और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसका नाम ठीक है भाई याद रखेंगे आप लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है आपका सीबीआई ठीक है तो याद रखिएगा बिल्कुल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टैलिटी और इंटीग्रिटी इसका मोटो है आपका सीबीआई है सुबोध कुमार जयसवाल वर्तमान में इसके एग्जीक्यूटिव है तो ये भी आप याद रखेंगे सीबीआई के बारे में ठीक है और बताइए और कोई दिक्कत हो आपको तो जितने भी आपको न्यूज कराइए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है है ना आज तो नहीं है इसमें लेकिन मैम मेरे दोस्त से नहीं देखा अमित शर्मा जी मतलब अगर अभी भी अक्कल नहीं आती ठिकाने तो वट कैन आई डू आई कैन डू एनीथिंग कह रहे हैं कि हरियाणा के नए डीजीपी कौन है भाई मेरे हरियाणा पुलिस हरियाणा एसआई हरियाणा फीमेल कांस्टेबल हरियाणा फीमेल एसआई और कोई भी एग्जाम देख लेना उसमें बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं और वहां पर कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं आता जो तुमने किसी पुस्तक पुस्तिका या किसी मैगजीन या कहीं पर भी तुम पढ़ के आयो तो मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास ऐसा ज्ञान है तो आप अपने पास रखें है ना है ना तो कोई बात नहीं आप उसको याद रखिएगा प्रशांत कुमार अग्रवाल जी है वर्तमान में कौन है आपके अध्यक्ष भाई प्रशांत कुमार अग्रवाल जी है तो मैं तो पी के अग्रवाल जी नाम बताऊंगी तुम्हें जो कहां से पढ़ के आए तुम ये बता दो है ना जाकर के अभी अभी चेक कर लेना अभी भी खट्टर जी का ट्वीट पड़ा होगा या किसी का भी कि पीके अग्रवाल ने लॉन्च किया तो शुरू से देख लीजिएगा सारी की सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें थी आपकी ठीक है और 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 ये याद रखेगा है ना महिला पुलिस जो है आपका जागृति यात्रा शुरू करने वाली है ठीक है भाई कौन सी यात्रा जागृति यात्रा बिल्कुल प्रसंग नहीं प्रशांत कुमार अग्रवाल जी बिल्कुल 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 तो बिल्कुल ठीक मेरे बाद आपकी अगली क्लास आएगी हरियाणा जी के उसके बाद में आपकी रात में आठ बजे भी क्लास होती है हरियाणा जी के की तो आज जो है आपका पंचायती राज का पार्ट नंबर पांच डिस्कस किया जाएगा पार्ट नंबर फाइव ठीक है आ, पार्ट फाइव ठीक है जो कि आपके इलेक्शन से संबंधित है इलेक्शन हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया किस किस प्रकार से चीजें होती है अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे तो वो कहां से आए थे आपके पार्ट फाइव और जो आपका चैप्टर नंबर बाईस है वहां से आए थे तो उनको हम करेंगे ठीक है तो आप अपने अगली क्लास में आ जाइएगा और नहीं कोई चेंज नहीं है कोई चेंज नहीं है नहीं भाई प्रशांत कुमार अग्रवाल जी गलत पढ़ के भी पढ़ा है ठीक है तो सही कर लीजिएगा पी के अग्रवाल जी बच्चा बच्चा जानता है कौन है आपके नए डीजीपी ठीक है हम चलते हैं अगली क्लास में मिलेंगे कल जो क्लास होगी उसमें रिविजन करेंगे कौन से महीने का अक्टूबर का नेशनल और आपका हरियाणा का भी तो कल हम 40 मिनट करंट अफेयर करेंगे इसको और थोड़ा कम करेंगे या फिर क्लास आप बता दीजिएगा अगर क्लास हम इसको आपकी साढ़े छह बजे शुरू करें तो साढ़े छह बजे पढ़ने आओगे कि नहीं आओगे लगता नहीं है मुझे तुम पढ़ने पढ़ने आओगे है ना तुम्हारे लगते नहीं है हालात देख करके कि तुम्हारी पढ़ने वाली हरकतें हैं तो बता दीजिएगा तभी रिविजन हो पाएगा एक घंटे में पॉसिबल नहीं है रिविजन हो जाए आपका ठीक है चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच आ जाइएगा अगली क्लास में जो आठ बजे आपकी शुरू होने वाली है धन्यवाद क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा कैसी लगी कमेंट करके बताना जय हिंद जय भारत